नेहा हिरेमठ के कत्ल को लेकर पूरी रियासत में, पूरे राज्य में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, धरने किए जा रहे हैं। खासकर इसमें रामसेना की तरफ से भी बार बार आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे साथ रामसेना के सदर रवि कोकितकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, आपको सीधे सवाल करता हूँ, आप हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाए हैं, लेकिन कहीं तो एक महिला के बारे में जब आवाज़ उठाते हैं तो कुछ दिन पहले मैसूर में रुखसाना नाम की औरत का प्रदीप ने कत्ल किया था, तब क्यों आवाज़ नहीं उठा? जब वो घटना हुई या ये घटना हुई, किसी भी ऐसे एक वाकिया को अंजाम देना, ये पहली बात है। हमारे हिंदू समाज में महिला की पहले कदर की जाती है, महिला को पहला दर्जा दिया जाता है, वो देवी का दर्जा हो या माँ का दर्जा हो, मातृत्व का दर्जा हो, ये दर्जा हमारे हिंदू समाज में दिया जाता है। इसलिए किसी भी समाज की वो लड़की हो, वो औरत हो, उसकी इज्जत करना हर इंसान का कर्तव्य है। जिस किसी ने भी वो वाक्य किए हैं, ये दोनों ही वो गलत है। और ये तो जो हुबली की जो घटना है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि जो जिसने ये अभी फयाज नाम के लड़के ने जो किया, उसके बारे में हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो मानसिकता है, ये जिहादी प्रवृत्ति की मानसिकता जो इनके मन में आती है, क्यों बार बार हमारे हिंदू लड़कियों के ऊपर ही क्यों? कहीं देश में एकाधी घटना मुस्लिम लड़की पर हो जाती है, वो भी कहीं तो गलती से, लेकिन बार बार हिंदुओं लड़कियों को टारगेट किया जाता है, इसलिए हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मखसूस समाज को, मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए ये बातें कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह के मामले में धर्म जात पात वगैरह तो कुछ नहीं रहता। मोहब्बत किसी से भी होती है, मोहब्बत के लिए धर्म जात नस्ल के कोई सरहदें नहीं होती, लेकिन उसको एक मखसूस राह में लेकर जाकर जिहादी प्रवृत्ति से मुराद एक समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, ऐसा नहीं लगता? और उसके आगे चल के ये कहूँगा, क्या इस कत्ल का राजकारण करने की कोशिश की जा रही है? नहीं है, ये गलत है। इस वाकिया का राजकारण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कत्ल हुआ है 30 सेकंड में 9 बार वार हुआ है, और इससे पहले भी आपको कहीं मीडिया को बहुत कुछ मालूम है, 25 टुकड़ों में हमारी हिंदू लड़की मिली थी। इस तरह कल परसों दिन बेलगम के सौदत्ती में कल ही एक लड़के ने ब्लैकमेल करके उस औरत को, मुनोली में ब्लैकमेल करके उस औरत को फंसाया। यानी प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करके उसको फुसला के फंसा के धर्मांतर करना गलत है। बिल्कुल, धर्मांतर के विरोध में तो होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा हो रहा है ऐसा आपको लगता है? क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे किस्से भी, वाकिए, कहानियाँ और खबरें हासिल हुई हैं जिसमें दोनों तरफ इस तरह के मामला देखे जाते हैं। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब धर्मांतर का मामला आता है जबरन, वो भी जबरन, यानी उस जिस लड़की को अपने जाल में फंसाना है, उसके बाद में शादी करना है, अपना खुद का नाम बदल के शादी करना है, उसका नाम क्या है वो ओरिजिनल नाम छुपाते हैं, अपना आधार कार्ड बदलते हैं, इस तरह फुसला के बहला के जो करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और एक आखिरी सवाल, कल हलगा के पास जो हुआ सर, इस तरह से कानून हाथ में लेना कहां तक सही? पुलिस है, उसके लिए आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे, क्योंकि रामसेना का नाम आ रहा है इसलिए। देखिए, जब हलगा की कल की घटना जो है, कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए, ये बराबर है, लेकिन कानून सही तरीके, सही रास्ते पे अगर नहीं चला तो कहीं जगह पे लेना पड़ता है। एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी लेना पड़ता है, ये जरूरी। आप उन पर पूरे 150 लोग मिलकर हमला करते हैं, क्या इंसानियत के नाते सही? नहीं नहीं, ये गलत है, हमला करना, मारना ये गलत है, हम भी मानते हैं, लेकिन जो कुछ भी कर, इसके पीछे जो है उसको डिपार्टमेंट अगर सही तरीके में इन्वेस्टिगेशन करके, जो इनका मुखिया है उसको अगर, उसके ऊपर केस दर्ज करके उसको, उनको अगर पकड़ेगी, एक भी ऐसा केस हमें दिखाई है जो आज तक मालिक को सजा हुई है, क्योंकि हमने 12 टन गोमांस पकड़ा था इसी हाईवे पर, लेकिन उस मालिक के गाड़ी को भी छोड़ दिया, वो गोमांस भी छोड़ दिया। इस तरह करते हैं, डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से अगर करेगा तो हमें कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, हमारे लड़कों को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। मतलब पुलिस निकम्मी है? ऐसा निकम्मी है, पूरी तरह से पुलिस निकम्मा काम करती है। मैं सिर्फ पुलिस पर इल्जाम लगाता हूँ, ओपन इल्जाम लगा रहा हूँ, पुलिस का काम अगर सही तरीके से, ईमानदारी से होगा तो कहीं भी कोई भी वाकया नहीं हुआ, वो हुबली का वाकया हो दे या कल का वाकया हो दे, ये कौन सा भी वाकया यहाँ हमारे देश में नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारे साथ उज्ज्वला बड़वाना जी यहाँ पर मौजूद हैं। नेहा हिरेमठ के कत्ल को लेकर यहाँ पर एहतजाज जारी है। मैडम, जिस तरह से नेहा हिरेमठ का कत्ल किया गया, उसे लेकर पूरी कर्नाटक में, पूरी रियासत में एहतजाज यानी कि प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, धरने किए। लेकिन उसी चार दिन पहले प्रदीप नाम के शख्स ने रुखसाना का कत्ल किया था, उस पर खामोशी क्यों बरती गई जी? अगर कहाँ पर खून हुआ है? मैसूर में, तुमकुरु में उसको जिंदा जला दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगी, उस बारे में मैं तो जानकारी नहीं रखती, मगर हावेरी में एक महिला का निर्गुण अत्याचार, सामूहिक अत्याचार हुआ है, और उसी प्रकार बैंगलोर में और हमारे बेलगाम में भी महिला को विवस्त्र कर खंभे को बांध कर उसको मार गया। ये कर्नाटक की संपूर्णता विफल हुआ है, कर्नाटक की सरकार, और हम चाहते हैं कि हिंदू महिला को, चाहे किसी भी महिला हो, अगर वो मुस्लिम की भी है और हिंदू की भी है, महिला महिला ही है, उसको न्याय दिलाने हम रास्ते पर। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नग्न करके घुमाया, उस वक्त जी हम खामोश नहीं थे, अभी वहाँ पर तुरंत गए हैं, और मणिपुर का जो प्रकरण हुआ है ना, उसके लिए पहले से ही वहाँ पर जो कांग्रेस की दृष्टि है, कांग्रेस की तुष्टिकरण की दृष्टि है, उसकी वजह से ऐसे अत्याचार हुआ है। बल्कि सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ संपूर्ण कर्नाटक में महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की जिम्मेदारी भी है। नहीं, सिलेक्टिव मामले को सिलेक्टिव लेकर उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, उसका राजकरण किया जाता है, ऐसा नहीं लगता? मैं एक बात बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर विश्व में पूरा, मतलब हमारे भारत देश में राज्य करती है, तो महिला को महिला ही देखा जाता है, उसमें कोई भी दोजा भाव नहीं है। हम महिला यानी वो मुस्लिम की रहे, हिंदू रहे, उसकी सुरक्षता चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी भारत की सरकार उसको न्याय दिलाने के लिए सातत्य से प्रयत्न करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सर, आपने कहा, मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स हिंदी में है। सर, जैसा आपने देखा कि लव जिहाद की भी बात कही जा रही है, वो ऐसा नहीं लगता कि एक अगर मखसूस समाज का है तो उस मामले को बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है? क्योंकि उसी चार दिन पहले बेंगलोर के अंदर मैसूर में रहने वाले जो रुखसाना जा नाम के लड़की का प्रदीप ने जाकर उसे मारा, फिर तुमकुर में ले जाकर जिंदा भी जला, उस मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाता, इसी को पेश किया जाता है, तो इसके पीछे कुछ सियासी राजकारण वगैरह? ऐसा प्रकरण में राजकारण नहीं करना चाहिए कोई लोग, ये समाज का है, कोई एक पार्टी का गलती नहीं और एक पार्टी ये अलग है, ये हिंदू मुस्लिम का ऐसा लेना नहीं। इसे ऐसा ही दिखाया जा रहा है सर, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, वैसा ठीक नहीं। वो लव जिहाद एंगल रहे तो प्रहलाद जोशी ने बोला है, वो भी बहुत अच्छे से बात किया है, के बावजूद भी इस तरह का नैरेटिव चलाया जाता है, ऑल एंगल्स में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। ऐसा दिल्ली में बहुत हुआ है, गाड़ी में लेके एक औरत को बाहर फेंका, मर गया, उनका ऊपर अत्याचार करके दिया है, इधर भी हर रोज हो रहा है, पहले रो तो मारना नहीं चाहिए, नहीं तो छोड़ के दूर रहना। लेकिन ये तो प्रवृत्ति हर समाज में रहती है उसके लिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत के लिए जात धर्म की सरहदें तो नहीं होती, हर समाज का ऊपर ऐसा एनकाउंटर लाना चाहिए, कोई क्या भी करेगा, कोई भी करेगा, नॉट ओनली मुस्लिम, हिंदू, कोई समाज में कोई रहता है ना, ऐसा महिला के ऊपर अत्याचार करना, मारना और मर्डर करना, ऐसा को गौर खंडन हम करते हैं, और सबके ऊपर चाहिए वो एनकाउंटर सबके ऊपर। सर, इससे हट के थोड़ा मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप भी बेलगाम की सियासत पे भी नजर रखे हैं, कल हलगा के पास एक ट्रक में से दो लोगों को उतार कर जो है 150 की भीड़ मारती है, तो क्या ये लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र गाली बार है? क्योंकि इंसाफ न्याय व्यवस्था कुछ है क्या उसमें? क्या है मुझे मालूम नहीं, अभी तक मैं सिर्फ पेपर में पढ़ा है, ट्रक में क्या है क्या मालूम नहीं। ठीक है, उसके लिए तो कानून है ना, आप लोग हैं तो वो कंप्लेंट करना चाहिए, जाके पुलिस को कंप्लेंट करके पुलिस को बेचना चाहिए, वो हम लॉ वी कैन नॉट टेक इनटू आवर हैंड्स एंड डू एक्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर।